पीछे से कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा आपको, जिसमें कि अगर आप ये सोचोगे ना कि तार वार ऐसा हो रहा है, ये वेस्ट प्रोडक्ट है अपनी बाइक के लिए, पैसा वेस्ट है। सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अनदर न्यू वीडियो। तो गाइज आज की जो वीडियो होने वाली हमारी होने वाली है रियल फेंडर लाइट के ऊपर, जो कि आप लोग इंस्टाग्राम पे बहुत ज़्यादा देख रहे हो, बहुत ज़्यादा वायरल लाइट है। आज उसी का खुलासा करेंगे हम अपनी बाइक के अंदर, R15M के अंदर, V4 के अंदर भी लग जाएगी, वो चीज़ हम बाद में क्लियर करेंगे कि हाँ जी किस तरीके से वो लाइट है वो जो आप लोगों को देखने के लिए मिलती है, और उसके लगने के बाद में जो उसकी क्वालिटी है, लगने की फिटिंग है, कनेक्शन है, सब इस वीडियो के अंदर हम कवर करने वाले हैं। तो अभी आप लोगों को दिखाता हूँ प्रोडक्ट कैसा होता है। बेसिकली प्रोडक्ट का बॉक्स कुछ इस तरीके से है, देख लो पूरे उसमें बॉक्स में ऐसा ही होता है। और अगर प्रोडक्ट दिखाऊँ, सो गाइज ये प्रोडक्ट है मेरे पास में, देख लो ये कुछ कार्बन फिनिश के अंदर आप लोगों को देखने के मिल जाता है। इसके अंदर आप लोगों को रेड ब्लू वाइट कलर की कुछ लाइटें देखने के लिए मिल जाती हैं, जैसे कि ये लाइट है, ये आप लोगों को सिक्वेंशियल टाइप में दिखेगी कुछ इस तरीके की। और ये जो फेंडर लाइट है ये हमारी लगेगी इधर की तरफ, डिज़ाइन कुछ इसका यहाँ पर आता है, जो इसके लाइट आती है। आप अगर आपका बजट कम है तो आप यहाँ पर भी लाइट वाली लगा सकते हो, अदरवाइज़ ये कुछ लाइट इस तरीके की देखने के लिए मिलती है आप लोगों को। और ये देखो पीछे से कुछ इस तरीके से, आप ही लोग सोच रहे होंगे यार इसके अंदर तो ये कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलता है, ये वाटरप्रूफ है या नहीं है, वो तो गाइस बाद में पता चलेगा कि वाटरप्रूफ है या नहीं है। बल्कि इसके ऊपर कुछ भी नहीं दिया गया जिससे कि लगे कि हाँ जी ये वाटरप्रूफ है, ये तो भाई आगे जाके पता चलेगा कि लगने के बाद में कि हाँ जी कितना कारगर रहेगा कितना नहीं। बाकी कुछ इस तरीके का ये प्रोडक्ट है। तो फिलहाल तो अपनी शॉप पे चलते हैं, टेक्नो खान स्टोर गोकलपुरी वाले पे, वहाँ पे जाके इसको इंस्टॉल करेंगे। अगर गाइस सक्सेस रहा तो आप लोगों को बता दूंगा सक्सेस है या नहीं। चलते हैं अपनी शॉप पर, किसी को ये प्रोडक्ट बाय करना हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। लेने के बाद में देखना गाइस, पसंद आए तो ही लेना, नहीं आए तो मत लेना, क्योंकि भाई बहुत महंगा प्रोडक्ट है। आप लोगों को ये आखिरी में बताऊँगा कि ये प्रोडक्ट कितने का आप लोगों को देखने के लिए मिलता है। तो गाइस देख पा रहे हो ये अपनी R15M है, और इसके अंदर जो फेंडर लगेगा हमारा लाइट वाला इधर लगेगा, इसको हटाने की ज़रूरत नहीं है। काफ़ी लोग सोच रहे हो कि इसको हटाएंगे हम इसके बाद में लगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये आप लोग देखना, ये टेल खुलेगी हमारी, टेल खुलने के बाद में हमारा ये ऐसे ही लग जाएगा। और जो उसको सपोर्ट मिलेगी फेंडर को हमारी लाइट वाले की, ये सिर्फ टेल से सपोर्ट मिलेगी गाइस। अगर आपकी टेल टेढ़ी लगी तो उससे मिल जाएगी सपोर्ट, बाकी आप टेल को लगाना तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर टेल नहीं लगाओगे तो लाइट नहीं रुकेगी। अगर आप लोगों को टेल भी हटा के इसके अंदर लगानी है तो नीचे आप लोगों को 4 स्क्रू लगाना पड़ेंगे, जिससे कि आपकी टेल है जो रुक जाएगी। लगाने के लिए हमने सीट खोलनी है, टेल निकालनी है, टेल निकालने के बाद में एज इट इज़ हम लोगों ने ऐसे लगा देना, और काफ़ी ज़बरदस्त फिटिंग आने वाली है। तो गाइस ये टेल फेंडर है, अब देखो इसको हम इसके अंदर लगा के देखते हैं, तो इसके अंदर कमी क्या क्या चीज़ें हैं वो आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करके देता हूँ मैं। ये हमने रख दिया टेल फेंडर, अब ये देखो पीछे से कुछ इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा आपको, जिसमें कि अगर आप ये सोचोगे ना कि तार वार ऐसा हो रहा है, ये देखो यहाँ पर इसके जो प्लेट है, ये देखो प्लेट अंदर की प्लेट है वो इस पर अड़ रही है, प्लस यहाँ पर इतना गैप आएगा। और यहाँ से देखे जाए तो देखो गाइस कुछ इस तरीके से, नीचे से आप लोगों को अगर इसके अंदर इंडिकेटर वगैरह लगाने पड़ेंगे, नीचे से कट करना पड़ेगा। तीसरी दिक्कत इसके अंदर, जब आप इसको लगाओगे, लगाने से पहले आप लोगों को इसका एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, जो कि यहाँ पर आएगी इसकी। अभी देखो यहाँ पर आने के बाद में इसके अंदर गैप कितना बचता है, जिसमें कि आप लोगों का जब टाइट करोगे आपका जो फेंडर है टूट जाएगा, और गैप इसके अंदर बहुत ज़्यादा है, मतलब 1 इंच का गैप आ रहा है इसके अंदर। और पीछे से अगर आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो कितनी बदसूरत ये चीज़ लगने वाली है। तो मैंने तो सोचा था इसको लगा के अच्छी सी वीडियो आप लोगों को दूंगा, लेकिन ऐसा हुआ कुछ नहीं। वेस्ट प्रोडक्ट है अपनी बाइक के लिए, पैसा वेस्ट है भाई। ये तो बिल्कुल ही वेस्ट ऑफ मनी के फायदा कि इतना महंगा लोगे भी आप और लगे भी ना उसके अंदर। तो हमने तो सोचा था इसको लगाने के बाद में कुछ अच्छी लुक आएगी, ऐसा कुछ नहीं है। देख लो ये अगर होल सेल में लाया है ना, ये यहाँ पर आएगी, देख लो भाई लगा नहीं है, ये इन बाइकों के लिए बनी हुई है, ऐसा लग रहा पता नहीं किसी और बाइक की उठा के दे दी है भाई, ऐसी लग रहा है भाई। ये तो बिल्कुल है ही नहीं कहीं से कहीं तक। तो अब इज्जत से जो सामान हमने उतारा था वो आपसे लगा देते हैं। तो हमारा जो आज का सोचा था हमने कि ऐसा होगा ये होगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, वेस्ट ऑफ
मनी ये प्रोडक्ट आप लोगों के लिए खिलाया जाएगा गाइस, बिल्कुल भी मत खरीदना ये सब चीज़ें। तो चलो बाइक में ये लग के ना जल पाए, हम वैसे ही आप लोगों का दिल की तसल्ली के लिए इसको चला के दिखाता हूँ। तो देखो अब इसके तारे कनेक्शन करते हैं। सो ये देखो लाइट की क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है, नो डाउट, बहुत तेज़ लाइट है इसके अंदर। ये इंडिकेटर आ गया इसके अंदर, ये दूसरी साइड देखो इंडिकेटर, ये दूसरी साइड इंडिकेटर। अब इसको जला के रखते हैं थोड़ी देर, ये देख रहे हो। तो देखा गाइज आप लोगों ने इस वाहियात से प्रोडक्ट, तो ये चैनल पे मेरा सबसे पहला प्रोडक्ट ऐसा है जो कि हमने बाइक में लगाया और सही से काम करके भी नहीं दिया। प्लस इसकी जो फिटिंग है, फिटिंग भी अच्छी नहीं आई, बस क्या करो इसकी लाइट ही समझ लो अच्छी है, जो इतनी ब्राइट लाइट देखने के लिए मिलती है। ऐसी ही वीडियो अपने चैनल पे हम डालते रहते हैं, R15 M से रिलेटिव, V3 से रिलेटिव, KTM से, जितनी भी टू व्हीलर्स फोर व्हीलर्स है सबों को आप लोगों को दिखाता हूँ कि उन सामानों को किस तरीके से लगाया जाएगा अपनी बाइक के अंदर और वो उसकी रोशनी किस तरीके से होगी, कि आपके लायक है या नहीं है, ड्यूरेबल है या नहीं है, उस चीज़ का हम अपने चैनल के ऊपर रिव्यू इंस्टॉलेशन वगैरह करके दिखाते रहते हैं। तो गाइज बस यही था आज के इस वीडियो में, होप करते हैं वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पर नए आए तो सब्सक्राइब ज़रूर करते हुए जाना, क्योंकि आप लोगों के लिए ऐसी ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूँ। तो मिलते हैं जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में, सो टिल देन बाय।